मैं हिमाचल में गया, हिमाचल प्रदेश, तो वहां पर ब्राह्मण देव है, एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि पारस भाई हमारे यहाँ पर ना कुछ विधाएं हैं, हमारे साउथ इंडिया के अंदर, हमारे हिमाचल में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने बैठते हैं और वो आपके मन की बात दो तीन लाइन में लिख देते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहे वो मन पढ़ लेते हैं, कौन सा रंग पसंद है, कौन सी आपको कोई बीमारी हो गई है, कुछ भी हो गया है, वो कह रहे कि क्या आप ऐसा कर सकते हो। फिर मैंने कहा कर तो नहीं सकता हूं, लेकिन 15 साल से लगातार रोज सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी, उसके पीछे की भी बताता हूं, उसके आज की भी बताता हूं और उसके भविष्य की भी बताता हूं, और ये लिखता जाता हूं। मैंने कहा कोशिश करते हैं ऐसा कुछ करने की, आदमी को बिना जाने हुए, बिना देखे हुए उसके बारे में बताने की, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ये मैं क्यों कर सकता हूं, मेरे अंदर तो कोई जादू नहीं है, ना मेरी औकात है, ना मेरा कोई लेवल, ना कोई स्टैंडर्ड है मेरा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ऐसा कोई लेवल नहीं है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो वो जो मेरे पीछे बैठी हुई है वो मेरी जबान को खाली नहीं होने देती। जय माता दी आपको।